हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। ठीक है, तो आज हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस करने वाले हैं किस चीज़ का। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। तो उसके कुछ फैक्ट्स को हम चेक करने वाले हैं कि आखिरकार इंडिया की जो रिसेंट रैंकिंग आई थी 2021 में, ठीक है, वो क्यों लगातार गिर रही है और क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। और हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि ग्लोबल रैंकिंग के कंपैरिजन में इंडिया का कहाँ स्थान है, ठीक है। फिर हम अबाउट HDI के बारे में जानेंगे और जो रीजन्स बताया गया है UNDP के द्वारा कि इंडिया की जो मेथडोलॉजी है, दैट इज़ वो फ्लॉड कैलकुलेशन जो है वो आखिर क्या होता है, ठीक है। और फिर हम किस पे ब्लेम दिया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट जो भी काउंटर कर रहे हैं, ठीक है, UNDP के रिपोर्ट को, वो क्या सही है या गलत है, वो यहाँ पे हम लोग फैक्ट्स से, क्योंकि हम लोग केवल फैक्ट्स यहाँ पे देखने वाले कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, द लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट इज़ HDI जो 2021 में जारी किया था, उसमें इंडिया की रैंक आई थी 132, ठीक है। और इससे पहले जो 2021 की थी, क्योंकि HDI एक एक तरह से बोल सकते हो एनुअल रिपोर्ट होती है, ठीक है, तो उसमें 130वीं रैंक थी, 130, ठीक है। तो इस आर्टिकल में हम लोग जो एनालाइज करेंगे क्या कि जो कंप्यूटिंग मेथडोलॉजी है HDI कैलकुलेशन की, उसके हिसाब से जो इंडिया की जो कंप्यूटिंग मेथडोलॉजी है वो क्यों फ्लॉड है, क्या इतना डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एडिटोरियल एडिटर्स हैं उनकी ये अपनी सोच है, ठीक है, हम लोग बस फैक्ट्स को यहाँ पे देख रहे हैं। तो जैसे 2021 के HDI रिपोर्ट्स की अगर कुछ फाइंडिंग्स की बात करो, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं द लेटेस्ट HDI इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट इज़ HDR 2021 से लेकर के 2022, ठीक है। और जिसमें इंडिया का जो रैंक था वो 130 जो 2020 भी थी उससे स्लिप करके 132 पे पहुँच गई थी। और इससे साफ साफ पता चलता है कि जो इंडिया जो है ना, अभी तक इस लास्ट 2 डेकेड्स में कभी भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो जो लेटेस्ट HDI वैल्यू है इंडिया स्कोर, ठीक है, आपको पता होगा कि जिसका जो वैल्यू है वो क्लोज टू 1 जाएगा वो बेटर और बेस्ट, यू नो, HDI कंट्री होगी, ठीक है। तो इंडिया का मार्क्स जो है वो कितना है, 0.633। ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो बेसिकली BPSC के परीक्षार्थी हैं वो इसको ध्यान रखेंगे, BPSC UPSC, ठीक है। और जो एक तरह से बोल सकते हो 0.645 जो 2020 में रिपोर्ट आई थी उससे कम वैल्यू, और इसलिए रैंक भी गिरा है। इट इज़ एज लोअर देन द वर्ल्ड एवरेज ऑफ, तो बेसिकली अगर वर्ल्ड का जो एवरेज देखोगे उससे भी इंडिया की कम मार्क्स है। वर्ल्ड का एवरेज कितना है, 0.732। तो ये जो डिक्लिनेशन देखी गई है कंट्री के परफॉर्मेंस में, ये बेसिकली जो है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी के फॉलिंग के कारण से, ठीक है। जो 2020 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो 69.7% था और अब कितना है आपको, 67.2%। रीजन सिंपल है, देखो जो फूड क्राइसिस, एक तो कोविड ने 2 सालों तक क्या किया था, इम्पैक्ट किया था, तो फूड इनसिक्योरिटी सप्लाई चेन का ब्रेकिंग हो गया था। और अभी जो आपको पता होगा कि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स है जियोपॉलिटिकल्स, जैसे अजरबैजान सब के बीच में और जो है ना लड़ाई होता है, ठीक है। फिर अभी रसिया और यूक्रेन के साथ चल रहा है, तो और आपको पता होगा कि जो मिडिल ईस्ट में जो है आपका यमन सऊदी अरबिया के बीच में, तो इन सब चीज़ों के कारण से क्या होता है, एक अस्थिरता जनरेट होती है, ठीक है, अनस्टेबिलिटी, और फिर उसके कारण से लोगों को जो है ना फूड सिक्योरिटी हंगर्स की कंसर्न रेज हो जाती है, और जिससे उसके लाइफ साइकिल पे क्या होता है, इम्पैक्ट आता है। इंडियाज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूल स्टैंड एट 9 ईयर, और जो 12.2 पहले 2020 की रिपोर्ट में बताया गया था। द मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑल द इज अप एट 6.7 ईयर्स फ्रॉम 6 पॉइंट, तो बेसिकली जो मीन ईयर्स है वो थोड़ा अप है। जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटल, ठीक है, वो $6,590 है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ आप देख रहे हो कि लगातार जो है ना आपको नंबर्स बढ़ते हुए देखा गया था 2011 से, और फिर अभी पहली बार जो है ना यहाँ पे भारत की जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मार्क्स है, नंबर्स है, वो कम हुआ है, ठीक है। अगर आप ग्लोबल फाइंडिंग की बात करोगे तो जो इंडेक्स है वो टॉप किया है स्विट्जरलैंड, और
अगर आप देखोगे ना तो 90% ऑफ द कंट्रीज हैव रजिस्टर्ड अ रिडक्शन इन देयर एसडीआई वैल्यू। तो बेसिकली जो है ना 90% ऑफ नेचुरल रीजंस भी है कि जैसा मैंने आपको बताया कि कोविड जो क्राइसिस चल रही है, क्योंकि रसिया और जो यूक्रेन है बहुत ज़्यादा जो है ना ब्रेड बास्केट कंट्री है एक तरह से आप बोल यूरोप का, तो वैल्यू जो है ना एक तरह से कम हुआ 90% ऑफ द कंट्रीज का। अ लार्ज कंट्रीब्यूटर टू द एस डी आई रिसेंट डिक्लाइन ग्लोबल ड्रॉप लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो जो इंडिया की कंसर्न थी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुई है वही ग्लोबल में भी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्या होता है, किस तरह से मेजर किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो एच डी आई है ना, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल यूनिट टूल यूज टू मेजर अ कंट्रीज ओवरऑल एकॉम्प्लिसमेंट इन द सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस। तो अगर कोई देश कितना सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से संपन्न है उसके डायमेंशन पैमाने को जो है ना एक तरह से मेजर करता है एच डी आई। और आपको पता होगा एच डी आई पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसको तैयार किया था। तो ये UNDP जो है ना अभी जारी करता है। ठीक है, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट वाइडली यूज इंडिकेटर फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस आफ्टर नेशनल इनकम स्टैटिक्स। ठीक है, अगर आप इसके कंपोनेंट की बात करोगे तो इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एक तो हेल्थ है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पे डिपेंडेंट होता है, एजुकेशन है, ठीक है, स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग बताता है, और इनकम एज मेजर्ड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ठीक है, अगर आप फाइनल स्कोर की बात करोगे तो ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अबव थ्री कैटेगरीज होता है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कि आखिर इस रिपोर्ट में जो है ना UNDP ने क्यों बोला कि फ्लॉड कैलकुलेशन है इंडिया के जितने भी, मतलब एक तरह से, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि इंडिया जो भी मेजर्स करती है और वहाँ से जो डेटा लिया गया था UNDP को अपने रिपोर्ट तैयार करने में, तो उन्होंने बोला कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एस्टिमेशन बर्थ एट बर्थ रिफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट अ न्यू बॉर्न कैन एक्सपेक्ट टू लिव। ठीक है, तो वो इंडिया में जो है ना कट बाई 3.6 ईयर्स, बेसिकली 67 पॉइंट इतना हो गया था। ठीक है, 2019 के कंपैरिजन में तो 3.67% ईयर्स कम हो गया था, पेंडेमिक इंड्यूस्ड हुआ जैसे मैंने आपको बताया, कोविड रिलेटेड, जो जिससे क्या हो गया कि जो मोर्टेलिटी थी वो बढ़ गई। ठीक है, और फिर क्या होगा आपका कि इसको भी आपने क्या किया, काउंट कर दिया इसमें। ठीक है, फिर मिसकंस्ट्रुएट नोशंस में क्या है, जैसे जो जो बेसिकली कंसेप्चुअल जो मिस्टेक होता है कि बच्चे का जो है ना बढ़ा चढ़ा करके एक तरह से उम्र कभी कभी दिखाना, ठीक है, और दूसरा छुपा लेना कि डेथ क्यों हुआ है, इन सब चीज़ों को। तो फिर है कि अगर आप WHO के डेटा को देखो तो इंडिया का मोर्टेलिटी रेट को जो है ना एक्सेस डेथ में COVID-19 के फॉर्म में WHO ने बताया था। तो अकॉर्डिंग टू WHO इंडिया हैज़ अराउंड 7 मिलियन अनरिपोर्टेड एक्सेस डेथ फ्रॉम कोविड, जो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड टोटल है। द इंडियाज गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी ऑब्जेक्टेड बाई द WHO एस्टिमेशन पॉइंटिंग आउट वेरियस फ्लॉज इन मेथडोलॉजी, जैसे मीडिया रिपोर्ट्स को दबा के रखना, यूज ऑफ पैरामीटर्स लाइक टेस्ट पॉजिटिविटी को नहीं बताना, ठीक है, पब्लिक करना, तो ये सब जो है ना रीजन्स जो है पहले से मेथडोलॉजी को एक तरह से कमज़ोर करके रखा हुआ। ठीक है, हालांकि जो UNDP है ना स्टिल यूज द WHO एक्सेस डेथ नंबर्स इन देयर SDI कैलकुलेशन। अगर आप एक्सेस डेथ की बात करोगे तो देखो इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ डेथ दैट हैव अकर्ड एंड द नंबर ऑफ डेथ दैट वुड हैव बीन एक्सपेक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ पेंडेमिक, तो नो COVID-19 सिनारियो। ठीक है, फिर है कुछ एरनरस पिक्चर्स की बात, तो देखो UNDP रिडक्शन जो हुआ है ना एज में, ठीक है, दैट इज 3.6% ईयर्स इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिडक्शंस, ये जस्टिफाइड नहीं है इवन आफ्टर इंक्लूडिंग WHO फ्लॉड नंबर्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तरह से कि अगर ब्लेम की बात करोगे, ठीक है, तो बेसिकली जो है ना ये फॉल्ट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि SDI काउंट करने वाले में होते। ठीक है, इसका एक रीज़न गवर्नमेंट के बीच जो है ना कुछ रीजन्स होते हैं, ठीक है,
कि गवर्नमेंट जो टाइम पे डेटा को कलेक्ट करके अपलोड नहीं करता है, जो कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन उनसे मांगते हैं तो उसके साथ शेयर नहीं करता है, कभी इंटरनल सिक्योरिटी का जो है ना आपको मुद्दा उठा देगा इसमें। फिर है कि कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कि जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें इंडिया के इमेज को अगर आपको बुरी तरीके से प्रभावित करना है तो वो क्या करते हैं कि बींग एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन अगर वो कुछ भी चीज़ बताएं किसी कंट्री के बारे में तो हो सकता है कि कुछ देर के लिए आप भी ट्रस्ट कर लो। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एंटी इंडिया बायस, जैसे आपने नाम सुना होगा कि सिख फॉर जस्टिस, एक एंटी इंडिया कैंपेन चलता है कनाडा में, ठीक है, और वो लोग पंजाब को ब्रेक करने की बात करते हैं। अब पॉइंट क्या है कि इतना सब कुछ होने के बाद अब आगे क्या, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप क्या करो, जितने भी इंफॉर्मेशंस है रिलेटेड टू ऑल द बेसिकली ऑल द HDI पीपल्स वेलफेयर के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको आप शेयर कर दो, ठीक है, ऑनलाइन पब्लिक में, ताकि वहाँ पे एरर्स को फाइंड आउट किया जाए। आप एक अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क बनाओ जिसमें क्या होगा कि जो आप बिल्कुल साइंटिफिक की फॉर्म में जो है ना कम्युनिटी जो भी पैनल्स बनेंगे, ठीक है, ताकि जितने भी एरर्स हैं उसको क्या किया जाए, दूर किया जा सके, और हाईली एक्सपीरियंस लोगों को इसके अंदर जो है ना पैनल में फ्रेमवर्क मतलब पैनल में लाया जाए ताकि वो एक अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क और रूल्स और रेगुलेशन को बना सके, ठीक है। इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने बताया कि अगर मान लीजिए आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक को डिस्कशन करना है तो पीपल के पीपल पीपल टू पीपल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इंगेजमेंट का बिना डिस्कशन का कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये था HDI का एक तरह से बोल सकते हो आप फैक्ट चेक कि आखिर फ्लॉज क्या था, तो जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो ब्लेम गेम चल रहा है और आगे क्या करना है वो भी यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हमारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।